एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर जो है वो एक खबर छपी पंजाब के हवाले से, और उस खबर का सेंस ये बनाया गया और बताया गया कि बाकी सूबों के अंदर जो है वो उनकी मालियाती हालत बहुत अच्छी है और पंजाब जो है उसकी हालत बहुत बुरी है। 160 अरब रुपए की जो है वो उसके ऊपर बात की गई। लेकिन यह है कि जब तक ऐसी बात, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा सनसनी ना आए, थोड़ा सा जो पूरी खबर अगर ना बताई जाए तो तभी मज़ा रहता है शायद खबर के अंदर। पूरी बात बता दें तो फिर मज़ा ख़त्म हो जाता है खबर का। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये होता है। तो कुछ डिटेल्स हैं इस हवाले से जो मैं आपके चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि वो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। जो ये तो एक बात तो मैं पहले बता दूँ कि 30 जून 2025 को इंशाल्लाह ताला पंजाब वाहिद सूबा होगा जो सरप्लस बजट देने जा रहा है। 630 अरब रुपए का सरप्लस बजट इंशाल्लाह ताला पंजाब जो है उसने कमिट किया है, वो करेगा, और होपफुली एफबीआर जो है वो भी अपने अहदाफ जो हैं वो हासिल कर लेगा। तो जो हमारा नेशनल फिस्कल पैक्ट होता है जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ और तमाम सूबे करते हैं, उसमें हमारी ये अंडरटेकिंग है कि हमें सरप्लस बजट की तरफ इंशाल्लाह जाना है, जो हम जाएंगे। और लेकिन यह है कि सरप्लस बजट के लिए कोई सहमाई किस्म की जो है वो डिवाइड नहीं होती। ये हर एक हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का अपनी फिस्कल मैनेजमेंट करने का अपना तरीकाकार होता है। सो ये जो है उसको सहमाई तौर के ऊपर उसको एलोकेट करना, ये पंजाब का जो है ऐसा कोई हदफ मुकर्रर नहीं था। और पंजाब जो है उसने पहले से ही मालियाती डिवीजन जो है हमारा उसको आगाह कर दिया था कि पहला सहमाही जो है वो भारी होगा ख़र्चों के हवाले से, क्योंकि पंजाब को 1952 के बाद से जो पंजाब के ऊपर वाजिबुल अदा पैसे होते थे गंदम की ख़रीदारी के हवाले से, पंजाब ने वो सब पे कर दिए हैं। तो ये हम उनको बता चुके थे कि गंदम का जो कर्ज़ की वापसी है उसके लिए 250 अरब रुपए जो है वो अदा करने हैं, ताकि ये हम अदा करने के बाद हमने 56 अरब रुपए का इजाफी मार्कअप जो इसके ऊपर लगता था उससे बचा लिया है पंजाब को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फिस्कल मैनेजमेंट है जो पंजाब गवर्नमेंट ने की। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो टी बिल्स होते हैं हमारे, पंजाब ने पहले क्वार्टर में उन टी बिल्स के अंदर 200 अरब रुपए की सरमायाकारी भी की है। तो ये जो है ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जो बजट जो खर्च शुदा बजट है उसको ही अगली समाई के अंदर जो है वो बढ़ाया गया था। जो टी बिल्स है उसकी इन्वेस्टमेंट अक्टूबर और नवंबर में मुकम्मल हुई है, और इसलिए ये जो ये बुक करते हैं आप इसकी रिसीट्स को, और मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स, मुझे भी जो है मैं ज़रा इकॉनमी में मैं कोई माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी टेक्निकल टर्म्स की तरफ नहीं जा रही, कोशिश करी हूँ कि सिंपल अल्फाज में आपको बता सकूँ। और 207 अरब रुपये जो है वो सेकेंड क्वार्टर की जो है वो उसके ऊपर जो है रिसीट्स के तौर के ऊपर इसको रखा गया है। ये अक्टूबर और नवम्बर में मेच्योर हुई हैं हमारे टी बिल्स, और इस तरह से ये एक हमारी फिस्कल मैनेजमेंट है। दूसरी बात यह है कि टी बिल्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट में IMF जो है वो टी बिल्स को इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो है वो कैश बैलेंस के तौर पर लेता है किसी सूबे की। तो ये जो कैश बैलेंस है हमारा टी बिल्स की शक्ल में, ये उसका हिस्सा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी वजाहत खबर की रिपोर्ट में नहीं दी गई। अगर खबर की रिपोर्ट में ये डाल दिया जाता तो ये कन्फ्यूजन जो है क्रिएट ना होता और मुझे आपको जहमत ना देनी पड़ती। दूसरी बात यह है कि जो 200 अरब रुपए की सरमायाकारी है उसको भी अगर हम पंजाब के कैश बिल में शामिल कर लें तो पहली सहमाही ही सरप्लस है। सो ये बात को समझने की कोशिश करें कि हमारे पास एक किटी है, उस किटी को हमने मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो है वो प्लान किया है। और चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये कहना कि अखराजात के ऊपर जितना कंट्रोल पंजाब गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर साहिबा की ज़र निगरानी किया है वो उससे पहले शायद कभी नहीं था। ट्रांसपेरेंसी, मुख्तलिफ और हेड्स के साथ मुख्तलिफ नए अकाउंट्स खोलकर एक बहुत क्लीन और नीट जो है वो फिस्कल मैनेजमेंट जो है वो की गई है। और जैसे मैंने कहा कि ये सरमायाकारी जो टी बिल्स में हमने की है 200 अरब रुपए की, ये उसमें डालें तो 160 अरब रुपए की खबर वैसे ही ख़त्म हो जाती है और ये खबर बनती नहीं है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अगर पूरी खबर आ जाए तो फिर वो खबर नहीं बनती, और उसको ज़ाहिर है एक ऐसी फसाद पार्टी जो खुद 1000 अरब रुपए से ज़्यादा के मकरूज़ हैं, वो जो है वो इस बात को जो है वो उछाल रहे हैं, जिनको जो वो अपने कर्जे देने के काबिल नहीं हैं, जो अपने स्कूल कॉलेजेस चलाने के जो है वो काबिल नहीं हैं, वो इस बातों को जो है इस खबर को उछाल रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहती हूँ उस हवाले से कि इंशाल्लाह ताला पंजाब चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की सरपराई में 630 अरब रुपये का इंशाल्लाह सरप्लस बजट जो है
वो 30 जून 2025 तक जो है वो देके जाएगी। तीसरी अहम बात जो मुझे पता है कि आपने पूछनी है, उससे पहले ही मैं जो है वो बात कर लेती हूँ, वो है PIA को ख़रीदने की जो है वो एक खबर चली और उसके ऊपर कहा एक शुरू बात हुई कि जब कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका के अंदर जब वो अपने पार्टी के कुछ लोगों से कारोबारी हजरात से गुफ्तगू कर रहे थे तो वहाँ पर एक कंप्लेंट उन्होंने की कि जी हम बहुत रुल जाते हैं जब हम पाकिस्तान से वापस आते हैं और हमारे पास कोई डायरेक्ट फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं होती। PIA के जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं, इसीलिए PIA जो है उसकी प्राइवेटाइजेशन जो है वो की जा रही है। पहले मरहले पर वो जो है वो उसके अंदर जो बोली बोली हुई उसके ऊपर गवर्नमेंट को यकीनन उसके ऊपर वो कन्विंस नहीं थी। तो ये PIA का एक प्रॉब्लम तो है, ये डायरेक्ट फ्लाइट्स का वो टेकअप हुआ तो उसके ऊपर जो है वो कायद ने कहा, उन्हें कहा कि ये बात अंडर डिस्कशन आई थी कि अगर PIA बिकने जा रही है तो क्या हम वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि हम ये ख़रीदने जा रहे हैं। और मैं भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये बात कैटेगोरिकली आप उसके सामने गुजारिश करना चाहती हूँ कि पंजाब हुकूमत का कोई इरादा जो है वो PIA को ख़रीदने का नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अगर सूबों की फिस्कल इतनी उनके पास कैपेसिटी हो, और दूसरा ये है कि यकीनन हुकूमतों का काम कारोबार नहीं करना होता, लेकिन कारोबार को कारोबार के हालात को साजगार बनाना हुकूमत का काम होता है। और इसके लिए अगर सूबे, कल मैंने गवर्नर सिंह को सुना, वो भी कह रहे थे कि कराची के जो ताजर हैं वो भी PIA के लिए इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छी बात है, हमारी एयरलाइन को पैरों पे खड़ी हो जाए, दोबारा से वही PIA बन जाए जिसने एमिरेट्स को और कतर को बनाया था, तो इससे बड़ा दिन हमारे लिए हो नहीं सकता। तो कोई भी सूबाई हुकूमत अपने तौर के ऊपर अपनी एयरलाइन को लॉन्च कर सकती है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई जो है वो तजवीज़ अभी जो है वो ऐसी मौजूद नहीं है। और कायद नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा कि अगर इस पर इम्प्लीमेंट हो जाए, जो एयर पंजाब की उन्होंने बात की कि अगर इस पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत यू नो इससे हालात बेहतर हो सकते हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि अगर एक अच्छी एयरलाइन, वो कोई भी एयरलाइन हो, PIA अगर दोबारा जो है वो प्राइवेटाइज होकर वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, नथिंग लाइक इट, अगर कोई और सूबा जो है वो कारोबारी अफराद और वो सूबे के लोग जो है वो मिलकर अगर जो है वो एक एयरलाइन जो है वो बनाने के काबिल हों, नथिंग लाइक इट, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बात कि जो है वो PIA पंजाब गवर्नमेंट ख़रीदने जा रही है, कतई तौर पर नहीं है। दूसरी एक लतीफ़ा मैंने सुना, एक मैंने ख़त पढ़ा, वो KPK से आया था कि जी वो PIA ख़रीदना चाहते हैं। तो थोड़ी देर तो मैं सोच में पड़ गई कि ये किन जहाज़ों की बात करें, इनको शायद पता नहीं कि PIA में उड़ने वाले जहाज़ होते हैं, और PIA जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, तो ये पता नहीं कौन सी PIA समझ रहे हैं। तो जिनके पास, जैसे मैंने कहा, 1000 अरब से ज़्यादा के मकरूज़ जो सूबा है, जिनको जो है वो यूनिवर्सिटियाँ बेचनी पड़ती हैं, जिनको ज़मीनें बेचनी पड़ती हैं, जिनको और जो है वो या तो ये ज़मीनें बेची जा रही हों किसी इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए तो और बात है, यहाँ पर अपने जो है वो तनख्वाहें देने के लिए जो है वो इनको जो है वो ये करना पड़ता है, उन्हें वो चले हैं जी PIA के जहाज़ खरीदने। तो मैं उनको गुजारिश करना चाहती हूँ कि भाई ये मतलब मजाक की बात नहीं है, PIA में जो है उड़ने वाले जहाज़ होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये एक वो भी मैंने सुना, पता नहीं कौन से कभी कहते हैं वो तर्जमान हैं कभी नहीं हैं, मरल वो पता नहीं हैं कि नहीं, बट जो भी हैं वो मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज़ जो है वो गंडापुर को कॉपी करती हैं। अल्लाह की मतलब खुदा का खौफ करो भाई, मतलब इतने 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 वो जो है वो लतीफ़ों वाली बातें और इतनी फजूल बातें मत करो कि लोग जो है वो अपनी हंसी भी कंट्रोल ना कर सकें। मरियम नवाज़ जो हैं वो उन्होंने आपको बताया कि 12 रुपये की रोटी करते हैं, आपने नकल मार के वो कह तो दिया कि हम करेंगे, आज तक KPK के अंदर 12 रुपये की रोटी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। फिर मरियम नवाज़ जो है वो एयर एम्बुलेंस ला रही थी तो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी एयर एम्बुलेंस अमीरों के लिए आ रही है, ये अपने लिए ये आ ही नहीं सकती, ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट था तो कर लेते पूरा, ये परवेज लाई के दौर से चला, बुजदार से होता होता, जो चीज़ इनसे नहीं हो सकती थी ना, नहीं हुई, उसको इम्प्लीमेंट मेरी वज़ीर आला ने किया और उसने करके दिखाया। अब एयर एम्बुलेंस की नकल इन्हों भी बीमारी, इन्होंने कहा हम भी KPK के अंदर एयर एम्बुलेंस लाएंगे, इनके पास अपनी एम्बुलेंसेज जो हैं और अपनी जो मुझे हाँ ये भी पता चला, वो जो एक आग लगी थी, बहुत खौफनाक आग लगी KPK के अंदर, वहाँ पर उनकी जो एक तो उनके पास वो जो सारे इनकलाब लेने के लिए निकली थी सारी फायर फाइटिंग की जो मशीनें हैं वो वापस नहीं आ सकी, जो कोई हैं थी उनके अंदर डीजल डलवाने के पैसे नहीं थे,
इन्होंने डीजल नहीं डलवा सके उन जो है वो अपनी गाड़ियों के अंदर। तो ये हालात और वाकयात है, और बातें सुने इनकी कि ये जो है वो मरियम नवाज़ इनकी नकल करेगी, अल्लाह की शान है। नकल जो है वो मरियम नवाज़ ने इलेक्ट्रिक बाइक्स दी हैं, मरियम नवाज़ ने लैपटॉप्स दिए हैं, किसान कार्ड दिया है, मरियम नवाज़ कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रही हैं, पाकिस्तान का पहला पब्लिक जो है वो सेक्टर का 1000 बेड का जो है वो कैंसर हॉस्पिटल वो बनाने जा रही हैं। जिस कैंसर हॉस्पिटल पर आप अपनी सियासत चमकाते हैं उसकी ज़मीन भी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की दी हुई है, और उसमें 50 करोड़ रुपया भी मियाँ शरीफ साहब की जो है वो फैमिली का है। कैंसर की अदवियात, टीबी की अदवियात, हेपेटाइटिस की अदवियात जो है वो उन्होंने लोगों के घरों पर पहुंचाई हैं। फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो शुरू किए हैं, PIC2 नया बनने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। ये बता दें कि इन में से कौन सा मंसूबा जो है गंडापुर ने अपने जो है वो सूबे में बनाया है। इनके सूबे में 11-12 साल से हुकूमत है PTI की, कोई नया हस्पताल, कोई नया स्कूल ये बनाने के काबिल नहीं है। और मुँह उठा के कह देना है कि जी मरियम नवाज़ जो हैं वो गंडापुर की जो है वो नकल कर रही है, जो गंडापुर जो हरकतें करते हैं, माफ़ करें, वो औरत तो क्या एक जी शोर इंसान भी नहीं कर सकता, ना उस तरह की ज़बान बोल सकता है, ना उस तरह की हरकतें कर सकता है, ना उस तरह के शौक हो सकते हैं। तो ये गंडापुर अपनी नौयत का एक अलहदा ही यू नो एक नमूना है जो अल्लाह पाक ने भेजा है, और वो वही हो सकता है।